नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल जीवा स्टडी पर। तो बात करते हैं रीड 2022 नॉर्मलाइजेशन से रिलेटेड। तो जैसे ही आपने थंबनेल में देखा कि 65 प्लस वाले सभी होंगे पास, आपने झट से ओपन कर लिया वीडियो। हो ही ऐसा रहा है, आपको YouTube पर हजारों वीडियो मिल जाएंगे कि 65 प्लस वाला पास होगा, 70 प्लस वाला पास होगा। तो अपने को क्या रियलिटी में लेना है, अपन ने बीएड कर रखी है, उच्च शिक्षा ग्रहण कर रखी है, तो कुछ धैर्य और कुछ थोड़ा सा अपने को ध्यान रखना चाहिए कि क्या सही है और क्या गलत है। तो रियलिटी से हम बात करें कि नॉर्मलाइजेशन का क्या होगा और कैसे होगा, वो मैं आपको थोड़ा सा बताने की कोशिश करूंगा। बहुत ज्यादा कमेंट आ रहे हैं और क्या है जो टेलीग्राम पर मैसेज से मैसेज आ रहे हैं, रिप्लाई दे देता हूं फिर भी वापस पूछ रहे हैं कि कब होगा। एक तो जो नॉर्मलाइजेशन से पहली बार टकरा रहे हैं उनको मैं बता दूं, नॉर्मलाइजेशन रिजल्ट के साथ होता है, वो अभी नहीं होने वाला, ठीक है, रिजल्ट के साथ होता है वो। अब देखो सबसे मेन बात जो रियलिटी है, देखो 23 तारीख की सेकेंड शिफ्ट और जो है 24 की दोनों शिफ्ट, पहली और दूसरी, इनमें से जो है 23 की सबसे हार्ड थी, खास करके SST के लिए, ठीक है। 24 की फर्स्ट है वो भी इतनी इजी नहीं थी, ठीक है, और 24 की जो सेकंड है वो इन दोनों के कंपैरिजन में इजी थी, हालांकि वो भी इतनी इजी नहीं थी, लेकिन इन दोनों के कंपैरिजन में जो 24 की सेकंड शिफ्ट है वो ज्यादा इजी थी। लेकिन 23 की फर्स्ट सबसे हार्ड थी, सॉरी 23 की सेकंड है वो सबसे हार्ड थी, और जो 24 की फर्स्ट है वो भी हार्ड में गिनेंगे आप, उनको इजी में नहीं गिन सकते SST के लिए खास करके। अब देखो सबसे मेन बात है कि नॉर्मलाइजेशन में ऐसा नहीं कि आपके 65 है तो आपको 23 नंबर या 25 नंबर दे दिए और पास कर देंगे, आपके 70 है तो आपको 13 दे दिए पास कर देंगे, ऐसा भी नहीं होने वाला। क्यों? क्योंकि कई ऐसे भी स्टूडेंट हैं जिनके 135 बने, उनको अगर 15 दे दिया तो वो 150 क्रॉस कर जाएंगे, तो ऐसा तो बिल्कुल नहीं होने वाला। दूसरी बात है कि 23 तारीख की सेकेंड शिफ्ट हार्ड थी, लेकिन फिर भी क्या है, नॉर्मलाइजेशन में हर एक फैक्ट चेक किया जाता है। देखो माना कि 3 लाख लोग क्या पास होते हैं पात्रता में, एक एग्जांपल बता रहा हूँ, ज्यादा भी हो सकते हैं, ठीक है, माने कि 3 लाख क्या है लोग पास होते हैं पात्रता में, उनमें से क्या है जो 23 की सेकंड शिफ्ट है, 2 24 की शिफ्ट है, इसमें से मान लिया कि 90,000 पास हो रहे हैं, इसमें से मान लिया कि 1 लाख पास हो रहे हैं, इसमें से 1,10,000 पास हो रहे हैं, तब क्या होगा, नॉर्मलाइजेशन अगर होता भी है तो इसमें जो 23 वाली शिफ्ट है, देखो दोनों लगभग तीनों बराबर है, तो इसमें हो सकता है 1-2 नंबर बढ़ा दे ज्यादा से ज्यादा, ठीक है, माना कि इसमें 1-2 नंबर बढ़ा दे। ऐसा नहीं है कि 23 का आपको हार्ड लग रहा है तो ज्यादा ही बढ़ेंगे नंबर, 23 में लोगों के नंबर कैसे आ रहे हैं वो भी डिपेंड करता है। अगर पास यहाँ पर हो रहे हैं, अगर बराबर में पास हो रहे हैं, यानी कि इतनी पात्रता 24 तारीख वालों को मिल रही है उतनी क्या है 23 वालों को मिल रही है, तो फिर नॉर्मलाइजेशन बहुत कम क्या है लिमिट का होगा, 1-2 नंबर का ज्यादा से ज्यादा, ठीक है। क्योंकि क्या है कि जो 23 तारीख की जो शिफ्ट थी, उस सेकेंड शिफ्ट वो क्या लेवल टू की फर्स्ट शिफ्ट थी, और इसमें ज्यादातर वो स्टूडेंट थे जिन्होंने स्टार्टिंग में फॉर्म फिल किया था, तो स्टार्टिंग में फॉर्म फिल करने के ज्यादातर वो स्टूडेंट स्टार्टिंग में फॉर्म फिल करते हैं जो क्या है कुछ ज्यादा ही बेचैन रहते हैं रीट के लिए कि जल्दी से रीट हो, पढ़ चुके मैं ये दूंगा, तो इसमें हो सकता है ज्यादा पढ़ने वाले चले गए। अगर इसमें ज्यादा पढ़ने वाले स्टूडेंट चले गए तो फिर अगर पात्रता बराबर मिलती है तीनों शिफ्टों में, अगर संख्या बराबर रहती है पात्रता की कि 1 लाख यहाँ से पास हो रहे हैं, 1 लाख दूसरी से, 1 लाख तीसरी से, तो फिर तो क्या है काम गड़बड़ हो जाएगा, इतने नंबर नहीं बढ़ेंगे। फिर भी अगर नॉर्मलाइजेशन एक नॉर्मल मान के चले, 23 तारीख शिफ्ट में आपके 4 नंबर तक बढ़ सकते हैं, 4 से 5 नंबर तक, इससे ज्यादा बढ़ने तो बहुत मुश्किल है। बोनस जरूर मिल सकते हैं आपको, 2-3 बोनस मिलकर फिर 4-5 नंबर बढ़ जाए तो 6-7 नंबर बढ़ जाते हैं। क्योंकि अगर मान लीजिए 75 से ऊपर वाले को ले लिया सबको, 75 से 83 के बीच में तो लाखों स्टूडेंट होंगे, फिर लाखों की भीड़ हो जाएगी आगे जाकर, ठीक है। तो इस हिसाब से आपको थोड़ा सा, अब क्या है फैक्ट तो फैक्ट ही रहने वाला है, ऐसा नहीं है कि आपके अगर हाँ अगर किसी के 80 बन रहे हैं तो वो एकदम सेफ है, 2-3 नंबर तो उसके बढ़ जाएंगे, बोनस में ही हो जाएंगे, 3 नंबर तो उत्तर चेंज हो जाते हैं, ऊपर नीचे हो जाते हैं, ठीक है। तो ऐसा रियलिटी में रहे आप, ऐसा नहीं है कि 65+ वाला भी पास हो जाएगा, फिर 65+ वाला अगर पास हो गया, 150 में से 65 वाला पास हो गया और फिर बिना नेगेटिव मार्किंग के, तो फिर प्री और जो ये पात्रता का इसका कोई मतलब ही नहीं रहा फिर तो, ठीक है। लगभग 75 से ऊपर वालों का ही चांस है, 75 से नीचे है उनका चांस बहुत कम है, ठीक है। जो रियलिटी है यही है, बाकी तो सरकार करने को कुछ भी कर सकती है। तो आप जैसे 65+ वाले पास होंगे, आप वीडियो क्लिक करते हो उसमें आपको कुछ भी नहीं मिलता, लेकिन रियलिटी यही है कि पहले आपके रिजल्ट के आंकड़े देखे जाएंगे कि जो तीनों शिफ्ट हैं उनमें कौन से शिफ्ट में ज्यादा है। अगर मान लें कि यहाँ पर 60,000 को पात्रता मिल रही है, यहाँ पर 1,20,000 को पात्रता मिल रही है, यहाँ पर आपको मान लो कि 1,40,000 को पात्रता मिल रही है, फिर क्या है कि इसमें नॉर्मलाइजेशन अच्छा खासा होगा, क्योंकि यहाँ पर देखो डबल हो रहे हैं और यहाँ पर 60,000 ही पात्रता पा रहे हैं, तो फिर नॉर्मलाइजेशन क्या होगा आपका डबल हो जाएगा, यानी कि हो सकता है आपके 5-6 नंबर बढ़ जाए। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आपके अगर तीनों में आंकड़े बराबर रहते हैं फिर नॉर्मलाइजेशन आपका होना 1-2 नंबर से ज्यादा होना मुश्किल है। तो अब सब कुछ आपका रिजल्ट पर डिपेंड करता है कि कौन सी पारी से कितने बच्चे निकल रहे हैं बाहर, उसके बाद में नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया होगी, ना तो आप अपने कहने से हार्ड इजी होता है ना कोई और। हाँ 23 का हार्ड था, लेकिन 23 के स्टूडेंट क्या पता ज्यादा अच्छे हों तो वो क्या क्लियर कर रहे हो, ठीक है,
तो इस हिसाब से देखा जाएगा। तो आप थोड़ा सा रियलिटी से रखें, और जो आपने क्या बीएड कर रखी है तो धैर्य और थोड़ा सा ध्यान रखें कि रियलिटी से दूर नहीं जाने अपने को। 15-20 नंबर की आप सोच भी नहीं सकते, ज्यादा से ज्यादा 4-5 नंबर बढ़ने के चांस है, और 1-2 बोनस हो सकता है, वो अलग बात है। तो इस हिसाब से रियलिटी रहने वाली है। तो धन्यवाद, हो सकता है कि किसी को अच्छा लगे वीडियो, किसी को ना लगे, लेकिन रियलिटी यही है कि 150 में से अगर 83 नंबर से अगर 75 नंबर भी आ रहे हैं आपके, तो 50% तो देखो बिना नेगेटिव मार्किंग जायज है। उससे फिर नीचे वालों का लेना फिर तो फिर ऊपर वाले बच्चों के साथ अन्याय हो जाएगा। ठीक है, तो धन्यवाद, बन रहे जीवा स्टडी।